welcome back to my channel. And this video is going to be slightly different from all the other videos which you generally see. Seeing the title, you might have got that this is going to be a flashback video of my journey in class 11 of St. Stephen's School. So, I will show you some events. तो हम तीनों ने जो हमारे जितना हिस्से का काम था वो पूरा कंप्लीट कर लिया था. उसके बाद कंप्लीट करने के बाद हमने फोटोज़ खींचने शुरू कर दिए थे. तो ये फर्स्ट फोटो है जिसमें हम तीनों एक साथ हैं. और तब हमारी दीप्तुन जो थी दूसरी ही डिग्री, हम नए नए मिले थे. बट अब दीप्तुन को काफ़ी टीचर्स डे सेलिब्रेशन में ऑयन नहीं था. फिर तब तक ऑयन को प्रिफेक्ट बनाया नहीं गया था. ऑयन इस सेलिब्रेशन के बाद कुछ दिन बाद ऑयन प्रिफेक्ट बना था. तो इसके बाद जितने भी इवेंट्स थे उसमें ऑयन था. सो आई वॉन्ट यू की कुछ सिलेक्टेड फोटोज टीचर्स डे सेलिब्रेशन के, वो फोटोज पहले तुम देख लो, उसके बाद हुई हमारी फेयरवेल की सेलिब्रेशंस की प्रिपरेशंस शुरू. फेयरवेल जो हम अपने क्लास 12 के सीनियर्स को देते हैं. तो ये कुछ फर्स्ट फोटो है शायद जो हमने खींची थी जिस दिन फर्स्ट टाइम मैं स्कूल में कैमरा लेके गया था. तो ये फोटो हमने खींची थी. और फेयरवेल हुआ था नवंबर में, लेकिन फेयरवेल की जो प्रिपरेशंस है वो बहुत दिन पहले से स्टार्ट हो गई थी. तो फेयरवेल करने में सबसे ज़्यादा मज़ा हम लोग को आया था. हमने क्या किया था, हमने अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड हो गए थे कि कौन क्या काम करेगा. कोई फेयरवेल के परफॉर्मेंसेस पे काम कर रहा था, कोई फेयरवेल की डेकोरेशन पे काम कर रहा था, और मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स हम लोग फेयरवेल की वीडियो पर काम कर रहे थे कि जो वीडियो हम बनाएंगे जो हम लोग अपने सीनियर्स को. मेरे चैनल पे भी है तो उड़ान बोल के, वो अभी तक की मेरी सबसे अच्छी वीडियो बनी है जब जो लोग बोलते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ भी आए थे. तो वो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अगर आप लोग ने नहीं देखा. कुछ फेयरवेल की फ़ोटोज़ हैं वो आप लोग एंजॉय कीजिए. जो फेयरवेल के प्रिपरेशन चल ही रहते हैं उसके बीच में एक और इवेंट होते हैं सेंट स्टीवन्स टी क्वेस्ट. सेंट स्टीवन्स टी क्वेस्ट में क्या होता है, एक क्विज कंपटीशन होता है जो हमारा स्कूल अरेंज करता है, और उसमें से हम बाकी स्कूल्स के बच्चों को भी इनवाइट करते हैं कि आप भी आके पार्टिसिपेट कीजिए. और इस बार के विनर्स हम ही थे. तो ये फोटो है जो आपको दिख रही होगी, जो जज जीतने की बात की है फोटो. ये और भी कुछ फोटोज हैं वो आप तुम देखो. रिक्वेस्ट के बाद हमारे स्कूल में एक छोटा सा डिबेट भी हुआ था. तो उसमें हमारी ड्यूटी थी कि हम सब चीज़ को मैनेज करें, मतलब कोई ज़्यादा चिल्लाए नहीं स्टूडेंट्स, और सबको हमको मैनेज करने के लिए दिया गया था. तो ये एक दो कुछ फोटोज़ हैं उस डिबेट की, तो वो भी तुम लोग देख लो. उसके बाद वो इवेंट आया जो हमारे 2019 ईयर का सबसे लास्ट इवेंट था, और हमारे 11th के सेशन का सेकेंड लास्ट इवेंट, तो सेंट स्टीफन्स क्रिसमस. और तब तक फेयरवेल भी हो चुका था ख़त्म, और हमें भी धीरे धीरे रियलाइज हो रहा था कि हमारा क्लास 11th का जर्नी अब बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है. Since it was one of the last events of ours in class 11, so वो हमारे लिए थोड़ा emotional moment भी था. So ये first picture है जो मैंने camera से उस दिन खींचा था. और भी कुछ photos और videos है, तो videos तो शायद मैं नहीं दिखा सकता, photos ज़रूर दिखा सकता हूँ इस vlog में. तो ये कुछ photos आप देखो, और अगर आपको इस दिन का video देखना है तो description box में इस दिन की video की link भी है. Thank you.
उसके बाद वो दिन आता है जिसमें हम सारे स्टूडेंट्स और जितने भी टीचर्स हैं जो उस दिन हमारे साथ हैं, हम सब ने मिलकर सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया था. इट वॉज़ अ सेंट स्टीफन्स एक्सकर्शन. हर दिन अलग अलग क्लास को एक्सकर्शन में लेके गया गया था, किसी दिन क्लास 6 को, किसी दिन क्लास 7 को, किसी दिन क्लास 8 को, और सबसे लास्ट में हमें लेके गया गया था. तो सबसे मज़ा हमें आया था और हमें सबसे दूर भी लेके गया गया था, कहीं बैंडल वगैरह के पास. एंड हमने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया था. इन्जॉय इसलिए नहीं कि वो जगह अच्छी थी, इन्जॉय इसलिए कि हम सब साथ हैं. सो द ओनली थिंग विच आई रिग्रेट कि उस दिन मैंने अपना कैमरा लेके नहीं गया था. तो मुझे काफ़ी मन था मैं कैमरा लेके जाने का, लेकिन फॉर सम रीज़न मैं कैमरा लेके नहीं जा सका. अगर मैं कैमरा लेके नहीं गया था, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कैमरा लेके गया था, तो उनके कैमरों से हमने बहुत सारे फोटोज़ खींचे थे. तो तुम वो फोटोज़ देखो, उसके बाद मैं तुमको आगे की स्टोरी बताता हूँ. देन इट वॉज अ टाइम फॉर द एनुअल स्पोर्ट्स डे. और एनुअल स्पोर्ट्स डे के जो ट्रायल्स होते हैं वो बहुत दिन पहले से ही स्टार्ट हो गए थे. तो उस ट्रायल्स में हमने और हमारे जितने क्लास 9 के फिजिकल एजुकेशन के जूनियर्स हैं, उन्होंने बहुत एक साथ मिलकर बहुत ज़्यादा काम किया था. और जो फाइनल था वो हमारे एक्सकर्शन के आने के दो दिन बाद होने वाला था. फाइनल स्पोर्ट्स डे की जो स्टार्टिंग था, उसके पहले कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो गई थी हमारे और हमारे जूनियर्स के बीच. बट लेटर ऑन एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड एंड वी रियली एन्जॉयड दैट डे. और उस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वो भी तुम जाके देखो. और उस दिन के कुछ फोटोज भी हैं, तो वो तुम देख लो. So if you enjoyed the video for whatever reason, then do drop a like. And अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि तुम्हारा इस साल का सेशन कैसा गया. और मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लेना. और टिल देन बाय बाय टाटा. एंड मास्क पहन के घर से बाहर निकलना, इनफैक्ट घर से बाहर भी मत निकलो, अंदर ही रहो. और अगर बहुत इंपॉर्टेंट हो तो घर से मास्क पहन के निकलना और सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे खासे से ध्यान रखना. बाय बाय.